आप देख सकते हैं कि अवाम जो है वो सामने बिल्कुल पुलिस वालों के कैंप्स की तरफ जा रही है और ये अवाम नाज़रीन किराम अवाम जीत गई के नारे लग रहे हैं क्योंकि इस वक्त नाज़रीन किराम हर तरफ नाज़रीन किराम शौकत बसरा साहब मौजूद है और नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं शौकत बसरा साहब मौजूद है जो आजादी आजादी इस वक्त शौकत बसरा साहब हमारे साथ शौकत बसरा साहब अस्सलाम वालेकुम। कल रात से ही शेलिंग हो रही है और कल रात से ही फिल्म जारी है। हमारे ऊपर सीधी फायरिंग हुई है। मेरे साथ मलिक तैमूर साहब है, सीधी फायरिंग हुई है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। नहीं बिल्कुल, बिल्कुल शेलिंग हो रही है लेकिन कैदी नंबर 804 का हुक्म है और मैं आपके चैनल के जरिए इस मैडम चीफ मिनिस्टर टिकटॉकर चैनल रानी जो हारी हुई वज़ीर आला उसको कहना चाहता हूँ, रोक सको तो रोक लो। आज हमने कैदी नंबर 804 जो पिंडी जेल में बंद है उसका हुक्म है कि पिंडी साहब लियाकत बाग में दफा 804 लगेगी तो लगेगी। आप पर स्टेट फायर हो चुका है, स्टेट फायरिंग हुई है, आपको कातिलाना हमला करने की कोशिश की गई है। आप मैं जो बात कहता हूँ मैं अभी आपको एंट्रेंस दिखाता हूँ जो हमारे ऊपर डायरेक्ट फायरिंग हुई है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, हम लोग इमरान खान तेरा एक इशारा हाजिर हाजिर लहू हमारा, इमरान खान तेरा एक इशारा हाजिर हाजिर हमारा। इसलिए हमने फैसला किया है अगर ये हमें शहीद करना चाहते मारना चाहते अब हमने फैसला कर लिया है कि इमरान खान जो हमारे मुस्तकबिल की जंग लड़ रहा है, जो हमारे पाकिस्तानियों की जंग लड़ रहा है, जो हमारे बच्चों की जंग लड़ रहा है, नजायज इस जाली हुकूमत ने उनको कैद किया हुआ है। अब इंशाल्लाह हम लोग लियाकत बाग ये सी अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्ट फायरिंग हो रही है। मेरे पास कवरेज मौजूद है, मैंने बिल्कुल देखी आपकी बात, कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल सच है। लेकिन अब आगे का लाए अमल क्या है मैं आपको लाए अमल एक ही है, मंजिल है लियाकत बाग। अल्लाह अकबर, ये हमारी लाशों के ढेर लगे खान जो हमारे मुस्तकबिल की जंग लड़ रहा है, जो हमारे पाकिस्तानियों की जंग लड़ रहा है, जो हमारे बच्चों की जंग लड़ रहा है, नजायज इस जाली हुकूमत ने उनको कैद किया हुआ है। अब इंशाल्लाह हम लोग लियाकत बाग ये सी अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्ट फायरिंग हो रही है। मेरे पास कवरेज मौजूद है, मैंने बिल्कुल देखी आपकी बात, कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल सच है। लेकिन अब आगे का लाए अमल क्या है मैं आपको मंजिल है लियाकत बाग। अल्लाह अकबर, ये हमारी लाशों के ढेर लगा दें, हमने लियाकत बाग पहुंचना है और पुरअमन रहना है। हम पे लाठी चार्ज कर रहे हैं, शेलिंग कर रहे हैं, सीधे फायर कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान का पैगाम है, हमारा पैगाम है, हमने कानून को हाथ में नहीं लेना, हमने हमने इश्तियाल में नहीं आना। क्योंकि कैदी नंबर 804 ने कहा जो पिंडी में बंद है कि आपने पिंडी लियाकत बाग पहुंचना है, उसके लिए हम अपनी जान पे खेल कर अगर अगर ये हकीकी आजादी में अगर ये हकीकी आजादी में मेरी या किसी और की जान भी चली जाए तो हम समझते हैं कि इस हकीकी आजादी में इमरान खान का साथ देना हमारे पक्के मुसलमान होने की निशानी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब आला। हमारे साथ शौकत बसरा साहब मौजूद थे, वो कह रहे हैं लाशें से गुजर जाओ, लाशों से गुजर जाओ, लेकिन खान की कॉल पे लियाकत बाग हम जरूर पहुंचेंगे। जरा इस तरफ आइएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। वो कह रहे हैं हमें पार्लियामेंट का रास्ता भी आता है। उनके ऊपर डायरेक्ट फायरिंग की गई है, उनको कत्ल करने की एक नाकाम कोशिश की गई है। आवाम इस वक्त बिल्कुल लियाकत बाग की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है, मैं आपको लाइव मनाजर दिखा रहा हूँ क्योंकि लियाकत बाग की तरफ आवाम इस वक्त जाती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा इस तरफ आइएगा कैमरा मैन साहब, आप दिखा दीजिएगा। शौकत बसरा साहब इस वक्त मौजूद है, बिल्कुल जा रहे हैं। इस वक्त आवाम ही आवाम है, हद्दे निगाह आवाम ही आवाम। इस वक्त हम कम से कम 4 घंटे से शेलिंग खा रहे हैं, ये देखें ये सामने शेलिंग देखे आप, बिल्कुल ऐसी है, 4 घंटे से सीधी फायरिंग शेलिंग हो रही है, लेकिन हमने पीछे नहीं हटना, नहीं आवाम ने पीछे नहीं हटना, हमने लियाकत बाग जाना है, अगर ये लियाकत बाग पहुंच गए, अगर ये जनरल रानी ये हमारे सामने लियाकत बाग है, बिल्कुल ऐसी अगर जनरल रानी बना ये नाज़रीन किराम अभी देखते रहिएगा, ये देखिएगा ये इस लड़के को देखिए, थोड़ा आगे आते हैं हम, आगे आएंगे, आगे आगे देखते रहिएगा, ये देखिएगा इस लड़के को देखिएगा नाज़रीन किराम, ये नाज़रीन किराम अकेला भाग रहा है ये लड़का नाज़रीन किराम, ये देखिए किधर आइएगा,
पुलिस उस तरफ मौजूद है, ये लड़का देखेगा। आप देख सकते हैं डटे हुए महास पर इस वक्त, वो हाथ से शेल फेंक रहा लड़का जनाबे आला। ये लड़के को देखिएगा, उधर पे आर्म फोर्सेस है, वहां पर मुसल्ला अफराद है, यहां पर एक निहत्ता लड़का नाजर करा ये फेंक रहा है। ये आएगा दिखाएगा, इधर आ, इधर इधर आओ, इधर आओ, इधर 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 आ, थोड़ा सा भागते 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 चलेंगे। और यार हाथ से फेंक रहे हो शेल, तुम कहाँ से आप हो, कहाँ से? मैं तो अफरीद हूँ, बड़ा खैबर एजेंसी से। अच्छा हाँ, अच्छा ठीक है। नंगे पैर, जरा इसके पैर दिखाएगा, नंगे पैर चल रहा है, नंगे पैर चल रहा है ये लड़का, और जो शेल है वो हाथों से पकड़ के फेंके। अपने हाथ दिखाना, जरा हाथ दिखाना, ऐसे हाथ दिखाओ, ऐसे हाथ दिखाओ, ये हाथ दिखे, ये इस वक्त जो है पूरा भागी लड़का गया, शेल खुद हाथ से पकड़ रहा है, और कोई इसको डर खौफ नहीं है, कोई किस खौफ नहीं है। ये बेटा आप कहाँ से आए जनाब, ये बताइए। मैं तो बड़ा खैबर एजेंसी से हूँ। हाँ, मैं उस बंदे के साथ हूँ जो किसके पास मुल्क के गम है वो फेंक दे। सर अगर नजरिया हो ना तो टूटी चप्पलों में भी लोग आ जाते हैं हुसैनियत के लिए, और अगर नजरिया ना होना तो फिर बहाने बनाए जाते हैं कि जी हम अदालती लड़ाइयां लड़ेंगे। ये होता नजरिया जी आपकी अवाम, ये है, ये वो अवाम है जो बाज नहीं आ रही। और ये क्यों बाज नहीं आ रही? क्योंकि इनके लीडर ने इनको एक चीज पढ़ाई है, और वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अवाम ने कंटेनर हटा दिया नाज़रे किराम, अवाम ने कंटेनर हटा दिया नाज़रे किराम, अवामी ताकत इस वक्त आपके सामने, अवाम ने कंटेनर हटा दिए। क्या नाम है? इमरान खान जिंदाबाद। दूसरा कंटेनर भी नाज़रे किराम हट चुका है, ये अवामी ताकत है नाज़रे किराम। अंदर से आप देख सकते हैं कंटेनर हट चुका है नाज़रे किराम, कंटेनर हटा दिए, आवाम पहली मर्तबा इनकलाब आ चुका है नाज़रे किराम। आवाम ने पूरी तरह से कंटेनर हटा दिए, पूर कर देते हैं पत्थर उठाने पे, इंशाल्लाह अगर जरूरत पड़ी तो 302 भी करेंगे। आपके सामने नाज़रे किराम एक बड़ा इनकलाब जो यहाँ पर सड़कों पर आ चुका है। इधर आइएगा, इधर आइएगा, इधर आइएगा बेटा, क्या कर रहे हैं जी? निकले बंगाली पुलिया के श्रीलंका, तो ये क्या है? ये तो बेटी इस्लामाबाद है, आप देख सकते हैं। हाँ, हमारे कंटेनर हटा दिए गए हैं, ये जहाँ जहाँ गुजर रहे हैं ये कंटेनर हटा रहे हैं और लोगों को जा रहे हैं। कोई रहनुमा, कोई लीडर नहीं है, कोई लीडर खुद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मुतार, आप भी इस तहरीक में शामिल हैं? यस। क्या वजह इस तहरीक में शामिल होने की? बेरोजगारी।